हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी हिट कीजिए ताकि ऐसे अपडेट्स आपको मिलते रहें। दोस्तों, कोविड-19 थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। लग रहा लॉकडाउन और एक महीने प्राइम मिनिस्टर को बढ़ाना पड़ेगा और शायद 12 या 13 तारीख को प्राइम मिनिस्टर फिर से टेलीविज़न पर ऑनलाइन रात 8 बजे आए और शायद इसे लॉकडाउन पीरियड को बढ़ा दें। दोस्तों, महाशक्ति देश जो सबसे शक्तिशाली पावरफुल देश अमेरिका है, वह भी इस वायरस से, इस फ्लू से बहुत ही बौखला गया है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करना क्या है, क्योंकि यह वायरस इतने लोगों को अपने चपेट में ले रहा है कि सही में कोई आदमी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाता। इतने डेड बॉडी देखने के बाद वह सब कुछ दिमाग काम करना भूल जाता है। तो लाजमी है कि अमेरिका जैसे देश भी इससे बहुत ही डिप्रेशन में चला गया है और वहाँ के डोनाल्ड ट्रंप ने तो डायरेक्ट WHO पे ही, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे ही आरोप लगा दिया है और कहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारी बातें छिपाई। जब हमें टाइम पे जानकारी देना चाहिए था तब उन्होंने कुछ भी जानकारी नहीं दी आज, और ये बात बिल्कुल सही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारा जो हमारे देश से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन WHO को जाता है वह कंट्रीब्यूशन हम रोक देंगे। बराबर है, बोलना भी चाहिए, बोलना बनता भी है, क्योंकि WHO ने जिस टाइम पर सब कुछ बताना चाहिए था, सभी फ्लाइटें कैंसिल करना चाहिए था। उसके हाथ में बहुत पावर है, सभी फ्लाइटें कैंसिल, सभी जो सी मार्ग के सभी हवाई जहाज हैं वो कैंसिल करना चाहिए था, एयरपोर्ट के सभी देशों का सील करना चाहिए था। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और आज इसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। दोस्तों, WHO तो ऐसा लगता है कि पूरे देश के साथ ना होकर वह चाइना के साथ ही है, क्योंकि चाइना के साथ ही और चाइना के बिहेवियर में ही वह मिला हुआ रहता है। चाइना जैसा बोलता है वैसा ही करता है, तो लाजमी है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा बोलेंगे ही। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया से भी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नामक दवा का मांग किए थे, लेकिन अब तक कोई इंडिया द्वारा रिस्पांस नहीं मिलने पर डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्ट धमकी भरे शब्दों में कह दिए कि अगर हमें इंडिया हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा नहीं देता है तो हम इंडिया को भी देख लेंगे ज़रूर। शायद हो सकता है कि ऐसा बातें बोलने के लिए उनका दिमाग या उनकी माइंड बहुत गर्म होगा, क्योंकि लाजमी है कि बहुत सारे डेथ हो रहे हैं अमेरिका में, तो ऐसा बात बोलना पड़े उनको। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मतलब कि उनको बोलने का कोई दूसरा मकसद है, क्योंकि इतनी सारी डेथ हो रहे हैं तो शायद उन्हें इतनी दिमाग में इतना मेंटेलिटी डिप्रेस हो गया कि शायद बोल भी सकते हैं। लेकिन फाइनली इंडिया उन्हें हाइड्रोक्लोरोक्विन नामक दवा देगी जो कि मलेरिया में यूज किया जाता है, इंडिया में भरपूर प्रमाण में बनाया जाता है। लेकिन यह जो हाइड्रोक्लोरोक्विन जो इस फ्लू में, इस वायरस में, इस कोरोना वायरस में अच्छे से काम करता हुआ कारगर साबित हो रहा है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी मांगे हैं। दोस्तों, एक मिनट में देख लेते हैं कि विश्व का क्या कंडीशन है। पहले एक मिनट में देखते हैं, टोटल इन्फेक्टेड लोगों की संख्या इस विश्व में हो गया है 14,31,533। सैडली जिनका डेथ हो गया वो 82,058 रिकवर होकर जो घर चले गए वो 3,02,140, और जो केस क्लोज हो गया है तो वह है 3,84,198, और जो एक्टिव केस है करंटली जो एक्टिव है वह है 10,47,335। दोस्तों, अब चलते हैं, देख लेते हैं फाइव कंट्रीज जो ज़्यादा सफर है इससे। तो पहला जो अभी नंबर वन पे है USA। जी हाँ दोस्तों, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी दिमाग काम नहीं कर रहा कि आखिर करना क्या है, और WHO को भी खरी खोटी सुना दी, और यहाँ तक कि WHO को बोल दिया कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन हर साल जाता है WHO को, वो हम बंद कर देंगे। और होना भी चाहिए, लाजमी होना भी चाहिए, क्योंकि WHO को जो कदम लेना चाहिए था, जो एक्शन उठाना चाहिए था, उन्होंने WHO में कुछ भी नहीं उठाए। इसी का खामियाजा शायद पूरा देश भुगत रहा है। तो USA में टोटल इन्फेक्टेड लोगों की संख्या हो गई है 4,412, जबकि सैडली जिनका डेथ हो गया वह है 12,854, और रिकवर होकर जो घर चले गए हैं वह है 21,674, और जो करंटली एक्टिव है केस वह है 3,65,884। इसके बाद सेकंड नंबर पे स्पेन, थर्ड नंबर पे फ्रांस, फोर्थ नंबर पे जर्मनी, सिक्स नंबर पे चाइना और ईरान, सेवन्थ नंबर पे। दोस्तों, ये तो कंडीशन था वर्ल्ड वाइड। इंडिया का भी थोड़ा जान लेते हैं, इंडिया में क्या, इंडिया में टोटल इन्फेक्टेड लोगों की संख्या हो गई है, वह संख्या है
5,351 सैडली जिनका डेथ हो गया हुआ है 160, और जो जो रिकवर होकर घर चले गए हुआ है 468, और जो करंटली एक्टिव केस है वह है 4,723। यह था इंडिया का कंडीशन। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने WHO खरी खोटी सुनाई, इंडिया को भी खरी खोटी सुना दी। शायद उनका पारा ज़्यादा गर्म होना भी चाहिए, क्योंकि इतने सारे डेथ हर दिन, इतने सारे डेथ 100-200 लोग का डेथ हो जा रही है, इससे तो लाजमी है कि वह शायद सोच रहे हो कि मैं अपने देश में अपनी कंट्री के लोगों का जान कैसे बचाऊं। और WHO का रवैया भी शायद सही नहीं रहा है। WHO को जिस तरह का एक्शन और स्टेप लेना चाहिए था वह स्टेप नहीं ली, इसका खामियाजा हम सब भुगत रहे हैं। दोस्तों अपने इंडिया में शायद ये लॉकडाउन पीरियड एक महीने और एक्सटेंड कर दे। शायद प्रधानमंत्री 13 या 14 को TV पे आए और बोल दे कि एक महीने में तक, 15-14 मई तक लॉकडाउन इंक्रीज करना पड़ेगा। और लाजमी है कि होना भी चाहिए, यह लॉकडाउन पीरियड बढ़ना ही चाहिए। नहीं तो यह बढ़ने का एक कारण यह भी है कि हमें इसका सिम्टम्स यानी 7 से लेके 14 दिन तक हमें यह समझ, जिसको यह बीमारी हुआ उसे भी समझ